हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको शॉर्ट में बीओडी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अक्सर जो इंजीनियरिंग सर्विसेज या एसएससी के क्वेश्चंस, गेट के क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव, वो बीओडी से काफ़ी रिलेटेड होते हैं और काफ़ी क्वेश्चंस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। तो बीओडी की जो डेफिनेशन है, अगर हम उसको देखेंगे तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दिस एमओ इज फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू कैरी आउट बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सीवेज अंडर एरोबिक कंडीशन एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस फॉर अ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन। तो यहाँ पे अगर आप कुछ कीवर्ड्स देखेंगे तो फर्स्ट वन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेकेंड इज बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन, नेक्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, राइट, एंड एरोबिक कंडीशन। तो यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस भी लिखा हुआ है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये कुछ टर्म्स हैं जो मैंने अंडरलाइन किए, जिनको समझना ज़रूरी है। तो अगर सिंपल आप इसे डिफाइन करेंगे तो जो भी ऑक्सीजन का अमाउंट रिक्वायर्ड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा किसी भी बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर का बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन कराने के लिए अंडर एरोबिक कंडीशन एट ए टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस, वो ऑक्सीजन का अमाउंट होता है हमारा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बीओडी। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आप लोगों को पता होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स क्या होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे सीवेज में जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू कराया जाता है डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर का, इसलिए हम इसको बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, अगर हम ऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो ऑर्गेनिक मैटर बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है बायोडिग्रेडेबल और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू नेचुरली डिकम्पोज हो जाए, राइट, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नेचुरली डिकम्पोज हो जाए, वो हो जाएगा बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर या फिर बायोलॉजिकली एक्टिव ऑर्गेनिक मैटर। दूसरा जो नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होता है वो तुम्हारा जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के थ्रू डिकम्पोज नहीं हो पाता, जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, इसको माइक्रो ऑर्गेनिज़म या बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर पाते, उसके लिए हमें केमिकल डिकम्पोजिशन का हेल्प लेनी होती है। तो बायोडिग्रेडेबल से हमें यहाँ पे डील करना है, और बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जितना ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिज़म ने यूज़ किया वो ऑक्सीजन हमारा होता है बीओडी के बराबर, दैट इज़ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये टर्म्स जो अंडरलाइन किए हुए हैं ये इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको याद रखने होंगे वाइल डिफाइनिंग बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। कहीं कहीं पे इसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बोला जाता है बिकॉज ऑफ दिस बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन, बट हम जनरली बायोकेमिकल ही यूज़ करते हैं। बट अगर कहीं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड लिखा है तो दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। अब इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अगर हम उसको कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे एक टर्म आपको दिख रहा होगा, कार्बोनेशियस डिमांड या फिर फर्स्ट स्टेज डिमांड। जैसे कि कार्बोनेशियस शब्द से पता चल रहा है कार्बन से रिलेटेड है। तो पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये जो दो डिमांड आपको दिख रही हैं, कार्बोनेशियस और नाइट्रोजनस डिमांड, ये कहाँ से आई? जब हम बायोकेमिकल डिमांड की बात करेंगे या हम बीओडी की बात करेंगे तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया था टर्म बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। अब जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसमें बेसिकली आपके दो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, पहला होगा कार्बोनेशियस कंपाउंड, दूसरा होगा नाइट्रोजनस कंपाउंड। कार्बोनेशियस कंपाउंड मतलब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, नाइट्रोजनस कंपाउंड मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो जो भी बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है जिसको डिकम्पोज कराना है उसमें कार्बन कंटेंट भी होगा और नाइट्रोजन कंटेंट भी होगा। तो अगर हम ऑक्सीजन की अमाउंट जो यूज़ हुई उसको कंसिडर करें तो जो ऑक्सीजन का अमाउंट कार्बन कंटेंट को डिकम्पोज करने में यूज़ हुआ वो कहलाएगा कार्बोनेशियस डिमांड, और जो ऑक्सीजन का अमाउंट नाइट्रोजन कंटेंट को डिकम्पोज करने में यूज़ हुआ वो कहलाएगा नाइट्रोजनस डिमांड, राइट। तो इसलिए हमने इस पूरे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को दो पार्ट्स में बांट दिया, पहला फर्स्ट स्टेज डिमांड और दूसरा सेकेंड स्टेज डिमांड। फर्स्ट स्टेज या कार्बोनेशियस, सेकेंड स्टेज कहें या नाइट्रोजनस डिमांड कहें। अब आ जाते हैं कार्बोनेशियस डिमांड पे। कार्बोनेशियस डिमांड जैसे कि मैंने बताया ये कहाँ से जनरेट होगी, कहाँ ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाएगा? जब हम कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडेशन कराएंगे
उस टाइम पे जो ऑक्सीजन यूज़ होगी वो कहलाएगी कार्बोनेशियस डिमांड। याद रखिएगा, कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मैटर, वो ऑर्गेनिक मैटर जिसमें हमारा कार्बन कंटेंट प्रेजेंट होगा। और ये जो ऑक्सीजन की डिमांड चलती है वो करीब करीब आपके पहले 20 दिन की डिमांड होती है। तो यानी जब पहला 20 दिन हमारे ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन हो रहा होगा, वहाँ पे बेसिकली जो कार्बन कंटेंट होंगे या कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मैटर होगा, उसका ऑक्सीडेशन या डिकम्पोजिशन कराया जा रहा होगा बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और उस कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मैटर में जो भी ऑक्सीजन यूज होगी वो कहलाएगी हमारी कार्बोनेशियस डिमांड या सिंपल फर्स्ट स्टेज डिमांड। और ये याद रखना है कि ये पहले 20 डेज की डिमांड होगी। अगर आप इसका सिंपल रिएक्शन याद रखना चाहते हैं तो ये रिएक्शन आप याद रख सकते हैं। जो भी ऑर्गेनिक कार्बन है, ठीक है, यानी जो भी कंपाउंड हमारे ऑर्गेनिक मैटर में प्रेजेंट हैं जिसमें कार्बन है, यानी ऑर्गेनिक कार्बन, जब हम उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमारा जो बाय प्रोडक्ट होगा वो जनरेट होगा CO2 गैस। और ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको एज अ फूड यूज़ करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और लिबरेट करेंगे CO2। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये आपका कंटिन्यूसली 20 दिन तक चलता रहता है, और इसी के दौरान जितना भी ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ वो कहलाएगा कार्बोनेशियस डिमांड या फिर फर्स्ट स्टेज डिमांड। द नेक्स्ट वन इज़ नाइट्रोजनस डिमांड। जैसे मैंने बताया, नाइट्रोजनस डिमांड मतलब जो भी नाइट्रोजन कंटेंट आपका होगा ऑर्गेनिक मैटर में, जितनी ऑक्सीजन उसको ऑक्सीडाइज करने में यूज़ होगी वो होगी नाइट्रोजनस डिमांड या फिर सेकेंड स्टेज डिमांड। तो जैसे कि देख रहे हैं, इट रिप्रेजेंट्स अ कम्बाइंड कार्बोनेशियस प्लस नाइट्रोजनस डिमांड। यहाँ पे कम्बाइंड कार्बोनेशियस और नाइट्रोजनस डिमांड, राइट? कम्बाइंड का मतलब दोनों को ही इंडिकेट करेगी। कैसे? बेसिकली ये जो ऑक्सीजन कंज्यूम होगी ये आपके ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, अमोनिया और नाइट्राइट, इन तीनों कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प होगी, और इन तीनों को ऑक्सीडाइज करके ये फाइनली नाइट्रेट बना देती है जो कि स्टेबल कंपाउंड होता है। तो ये जो आपकी ऑक्सीजन डिमांड है जिसने आपको ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, अमोनिया और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट किया, तो जितनी भी ऑक्सीजन इस प्रोसेस में यूज़ हुई वो आपकी कहलाएगी नाइट्रोजनस डिमांड या फिर सेकेंड स्टेज डिमांड। और ये जो ऑक्सीजन डिमांड आपकी जनरेट होना शुरू होती है वो आफ्टर 6 डेज, जब आपका डिकम्पोजिशन का प्रोसेस शुरू होगा तो 5 दिन तक करीब करीब आपकी कोई भी नाइट्रोजनस डिमांड नहीं आएगी, मतलब ये आपके एक्टिव नहीं होंगे। 6ठे दिन से आपका थोड़ा बहुत ये एक्टिव होना शुरू होते हैं जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जिनको हम नाइट्रीफायर्स बोलते हैं, ये इम्पॉर्टेंट टर्म है, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजनस डिमांड जनरेट करते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को हम बोलते हैं नाइट्रीफायर्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, अमोनिया और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग ऑक्सीजन, विच इज़ नोन एज नाइट्रोजनस डिमांड। तो नाइट्रीफायर्स वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो सेकेंड स्टेज BOD को जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे कम्बाइंड लिखा हुआ है कार्बोनेशियस और नाइट्रोजनस डिमांड, यानी ये जो डिमांड है इसमें कार्बोनेशियस और नाइट्रोजनस दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। अगर आप इसका सिंपल रिएक्शन देखेंगे तो कंपाउंड्स, जैसे कि यहाँ पे ऑर्गेनिक कार्बन था CO2 में कन्वर्ट हो रहा था बाय यूजिंग ऑक्सीजन, वैसे यहाँ पे ये तीनों नाइट्रोजन कंटेंट हैं जो कि इस फॉर्म में मैंने बताया था, नाइट्रोजन कंटेंट आपके 4 फॉर्म में होते हैं, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, अमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट। तो ये आपका सबसे स्टेबल फॉर्म है, इसलिए जो एंड प्रोडक्ट बनेगा आपका वो यहाँ पे नाइट्रेट बनेगा। और ऑक्सीडाइज के कौन कौन से नाइट्रोजन कंटेंट होंगे? ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, अमोनिया और नाइट्राइट। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर कॉल्ड नाइट्रीफायर्स, ये तीनों कंपाउंड आपके स्टेबल कंपाउंड नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये पूरा प्रोसेस आपका 6 दिन के बाद या 6ठे दिन पे आपका शुरू होता है, पहले 5 दिन ये डिमांड नहीं होती क्योंकि ये तब तक एक्टिव नहीं होते हैं, राइट? तो ये आपकी 2 डिमांड थी, फर्स्ट स्टेज डिमांड और सेकेंड स्टेज डिमांड। दोनों में डिफरेंस यही है कि ये आपके 20 दिन तक चलती है, पहले आपकी यही जनरेट होती है कार्बोनेशियस डिमांड, फिर 5 दिन के बाद 6ठे दिन से आपकी ये वाली डिमांड रोल में आ जाती है, और फिर एंड तक आपका दोनों पैरेलल चलता रहता है। इसके बाद आपका अगर हम कर्व के थ्रू इसको डिफाइन करेंगे तो ये कर्व आप देख सकते हैं, इसमें साफ साफ पता चल जाएगा। यहाँ पे मैंने टाइम मेंशन किया हुआ है, इस तरफ आपका BOD है PPM में, मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये पहला कर्व जो शुरू हुआ है
जो लाइम ग्रीन कलर से दिख रहा है, ये आपका फर्स्ट स्टेज बीओडी कर्व है, मतलब ये आपका टोटल कार्बोनेशियस डिमांड को दिखा रहा है। तो आप ज़ीरो से देखेंगे, जब टाइम ज़ीरो था, ये चलते चलते शुरू हुआ और ये 20 डेज तक मैंने कहा चलता है, करीब करीब 22 दिन तक, तो ये कर्व आपका यहाँ पे आकर के कट हो गया। लास्ट में देखेंगे तो आप ये एक कांस्टेंट सा आपको यहाँ पे कर्व दिखेगा। तो 20 दिन तक हमारी कार्बोनेशियस डिमांड जनरेट होती रहती है थोड़ी 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 करके, यानी 20 दिन तक कार्बन, जो भी कार्बन कंटेंट है उसका ऑक्सीडेशन CO2 में चलता रहेगा। तो ये आपका लाइट कर्व हो गया, फर्स्ट स्टेज BOD कर्व। फिर आप देखेंगे, मैंने कहा था करीब करीब 6 दिन के बाद या 6ठे दिन से आपका दूसरा कर्व स्टार्ट होता है, या दूसरी टाइप की डिमांड जनरेट होती है, जो कि है हमारी नाइट्रोजनस डिमांड। तो अगर आप ये कर्व देखेंगे तो ये आपका नाइट्रोजनस डिमांड का कर्व है, ये बता रहा है कि कितनी नाइट्रोजनस डिमांड जनरेट हुई। और अगर आप ये कर्व देखेंगे तो ये आपका कार्बोनेशियस डिमांड का कर्व है, मतलब डिमांड फ्रॉम द स्टार्टिंग अप टू 20 डेज। तो ये जो नाइट्रोजनस डिमांड है, ये यहाँ पर 5th डे के बाद से शुरू हुई है, ये आपका 6th और 7th कोई भी डे हो सकता है, ये यहाँ से आपका स्टार्ट होगा और ये आपका एंड तक पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। जो मैक्सिमम टाइम कंसिडर किया जाता है इसकी स्टडी के लिए वो 50 डेज है। हम मान के चलते हैं कि ये जो पूरा डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है वो अंदर अंदर 50 दिन तक चलता रहता है। तो लास्ट में 50 डे तक जो जाएगा वो होगा आपका नाइट्रोजनस डिमांड, और बीच में आकर के एक पोर्शन आप देखेंगे ऐसा होगा जहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन दोनों ही आपके जनरेट होंगे। तो इसलिए हमने बोला है कि जो नाइट्रोजनस डिमांड कर्व होता है वो आपका कार्बोनेशियस डिमांड को भी और नाइट्रोजनस डिमांड को भी, दोनों को इंडिकेट करता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है यहाँ तक आपका CBOD मतलब कार्बोनेशियस बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और उसके ऊपर आपका NBOD मतलब नाइट्रोजनस बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये आपका पूरा ग्राफ है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कार्बोनेशियस डिमांड कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक गई, और नाइट्रोजनस डिमांड 6ठे या 7वें दिन से शुरू होती है और पूरा एंड तक चलती है। कार्बन डिमांड एंड तक नहीं चलेगी, बट नाइट्रोजन कंटेंट आपका एंड तक चलता रहता है, राइट? क्योंकि नाइट्रेट जो बनता है वो बताता है एंड ऑफ डिकम्पोजिशन, ये मैंने पहले आपको बताया था, इसलिए नाइट्रेट ही फॉर्म हो रहा है और यही कर्व आपका एंड तक जाएगा, ना कि कार्बोनेशियस डिमांड वाला कर्व, राइट? अब यहाँ पे आप Y5 और YU देख रहे होंगे। Y5 मतलब जो 5वें दिन पे डिमांड जनरेट हुई वो आपकी Y5 कहलाएगी, यानी BOD आफ्टर 5 डेज ऑफ डिकम्पोजिशन स्टार्ट जब हुआ उसके बाद का। और YU आपका हो जाएगा अल्टीमेट BOD, जो कि आपका मैक्सिमम BOD की कोई भी वैल्यू होगी एट द एंड ऑफ द डिकम्पोजिशन प्रोसेस। तो इस तरीके से 2 स्टेजेस हैं। अब इस पर बात करेंगे आगे नेक्स्ट पॉइंट की। यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया है स्टैंडर्ड BOD, जिसको हमने BOD5 बोला है, यानी ये आपके फर्स्ट 5 डेज की जो भी ऑक्सीजन डिमांड होती है वो होती है आपकी स्टैंडर्ड BOD या BOD5, जिसको हमने वहाँ पे Y5 से डिनोट किया है। आप कर्व देखेंगे तो इस कर्व में 5वें दिन पे जो BOD की डिमांड है वो है आपका Y5, और यही Y5 आपका स्टैंडर्ड BOD या BOD5 कहलाता है। और इसका टेम्परेचर हम 20 डिग्री मेंटेन करके रखते हैं, ये मैंने पहले भी बताया है कि ये आइडियल टेम्परेचर है बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, इसलिए हम टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री मेंटेन करके रखेंगे। और ये जो डिमांड है ये खाली आपका कार्बोनेशियस ऑक्सीजन डिमांड होगी, ओनली कार्बोनेशियस ऑक्सीजन डिमांड, इसमें आपका नाइट्रोजन का डिमांड का कोई भी रोल नहीं होगा, जैसे कि आप ग्राफ में भी देख सकते हैं। ये जो डिमांड है ये आप देख रहे हैं लाइट ग्रीन कलर के कर्व पे ही जनरेट हुई है, यानी ये सिर्फ कार्बोनेशियस डिमांड को डिनोट करेगी, नाइट्रोजनस डिमांड को डिनोट नहीं करेगी Y5 की वैल्यू। तो यानी हमको जो बेसिकली डील करना होता है वो होता है कार्बन कंटेंट, और उसी की BOD हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और ये 5 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड जो लिया गया है, यहाँ पे जो 5 लिखा है दैट इज़ फॉर 5 डेज, ठीक है, उसको इसलिए लिया जाता है ताकि हम जो नाइट्रिफिकेशन की डिमांड है, मतलब नाइट्रोजनस डिमांड है, उसको एलिमिनेट कर पाएँ, क्योंकि 6ठे दिन से पहले नाइट्रोजन डिमांड जनरेट नहीं होती है, मतलब नाइट्रिफिकेशन की कोई भी डिमांड जनरेट नहीं होती है। और क्योंकि हमको सिर्फ कार्बोनेशियस ऑक्सीजन डिमांड चाहिए, इसलिए हम 5 दिन तक ही स्टडी करते हैं, क्योंकि 6ठे दिन से हो सकता है कि नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम सिर्फ 5 दिन का ही क्यों कंसिडर करते हैं, 5 दिन के आगे का क्यों नहीं लेते, क्योंकि अगर हम 5 दिन के आगे का स्टडी करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं इस नाइट्रोजन को भी इंक्लूड
करना होगा जो कि हमको नहीं चाहिए. हमें सिर्फ कार्बोनेशियस ऑक्सीजन डिमांड ही कैलकुलेट करनी होती है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टैंडर्ड बीओडी. उसके बाद परमिसेबल लिमिट की बात कर लें तो बीओडी की, अगर ड्रिंकिंग वाटर की परमिसेबल लिमिट की बात करेंगे तो वो 5 mg पर लीटर है, ये बस याद करने वाला डेटा है. और अगर ट्रीटेड वेस्ट वाटर की बात करेंगे तो 50 mg पर लीटर है. दोनों में डिफरेंस है. ये वो वाटर है जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से निकलेगा, सीधे सप्लाई किया जाएगा, और ये वो वाटर है जो कि वेस्ट वाटर कह लें, जो ट्रीटमेंट के बाद रिवर में छोड़ा जाएगा. तो रिवर में छोड़ने से पहले जो एफ्लुएंट निकलता है, ट्रीटेड एफ्लुएंट, उसकी बीओडी की बात की जा रही है, वो 50 mg पर लीटर होती है. और जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी बीओडी होगी 5 mg पर लीटर. तो दोनों में कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है. फिर बात करें बीओडी 5 और बीओडी यू की, मतलब हम वाई 5 और वाई यू की बात करें, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है आफ्टर 5 डेज, और दिस वन इज़ अल्टीमेट बीओडी, दैट मीन्स आफ्टर द कम्प्लीशन यू कैन से. तो यहाँ पे जो वाई 5 और वाई यू के बीच में जो हमारा एक रिलेशन है वो अबाउट 68% का मार्जिन है, मतलब एक रिलेशन है. जो बीओडी 5 होता है वो 0.68 टाइम्स होता है बीओडी यू का. और अगर दोनों का रेशियो लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली, दिस कम्स इक्वल टू 2/3. ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इसके बाद एक लास्ट पॉइंट हमारे ये आता है कि जो बीओडी है डायरेक्टली गिव्स द अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव ऑर्गेनिक मैटर. जितना बायोलॉजिकली एक्टिव ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ही फूड मिलेगा हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और उतनी ही ऑक्सीजन वो यूज़ करेंगे. यानी बीओडी डायरेक्टली ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट हमको बता देता है कि कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट था. जितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा उतना ही ऑक्सीजन भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करेंगे डिकम्पोजिशन में. तो ये हो गया. नेक्स्ट इज, अगर हम बीओडी इक्वेशन की बात करें कि अगर हमें सपोज निकालना है, ये तो 5 डेज बीओडी था, बट अगर हमें कहीं बीच में बोल दिया गया कि इस पॉइंट पे बताओ कितना बीओडी है एट टाइम टी सपोज, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर हमें बीओडी निकालना है तो उसके लिए अगर हमें इक्वेशन यूज़ करनी है तो दिस इक्वेशन इज वाई टी इज इक्वल टू एन नॉट 1 - 10^-KDT. ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो कि न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने में यूज़ होती है, और इसी को हम बीओडी इक्वेशन बोलते हैं. यहाँ पे जो एन नॉट है, इट इज़ ऑक्सीजन इक्विवेलेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट एट स्टार्ट, राइट. यानी जब ऑक्सीडेशन स्टार्ट हुआ था उसी टाइम पे जस्ट जो भी टोटल अमाउंट था ऑर्गेनिक मैटर का वो हो जाएगा एन नॉट, मतलब इनिशियल ऑर्गेनिक मैटर. ये कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है क्योंकि स्टार्टिंग में यही हमारा प्रेजेंट होता है, टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. केडी की बात करेंगे तो ये हमारा डी ऑक्सीजनेशन कॉन्स्टेंट है या फिर बीओडी रेट कॉन्स्टेंट है. और केडी सिंपल बेस 10 में होता है, और अगर हम बेस ई में देखेंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगी 0.434 K. तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर विच वॉज रिगार्डिंग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको जो मैंने इक्वेशन बताई है, दिस बीओडी इक्वेशन, इसका डेरिवेशन करके बताऊंगी कि कैसे इसको हमने डिराइव किया, कहाँ से ये वैल्यूज आई, और फिर हम सीधे न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे, एक दो एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह हम सॉल्व कर सकते हैं. Thank you so much for watching this video, and please do subscribe to my channel, and stay safe, stay home.